मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त है। मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती है, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो विश्वास जो उसका जो पैदा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और मुझे लगता है इसीलिए आज मोदी का हर घर का हिस्सा है। मैंने जरूर कहा कि मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, मोदी गारंटी ये पर्याप्त है, इससे आम आदमी जुड़ता है। जब जी लगाते हैं तो कहाँ आम आदमी जुड़ पाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है, जो कोई संकोच न करें कि मेरे नाम के आगे मोदी जी लगाकर मोदी जी की गारंटी ये शब्द प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा भी जनता के साथ जुड़ना, मैं मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए, मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती है, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप इस तरह का सम्मान ना दे, मुझे जनता के बीच रहने दे, वो मुझे मोदी कहते हैं तो आप ही मोदी कहें। उन्होंने बोला है मोदी जी, मतलब मोदी एक अलग ही हो गया है, मोदी जी आप जब बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन सब लोगों के लिए मोदी मोदी उनको अच्छा लगता है, ये इन्होंने उन्हें व्यक्त किया। आज जिस प्रकार से ये जो जीत हुई है, और जीत कब जो होता है ना कि एक बार सरकार में रहता है तो उससे आदमी इतना ऊब जाते हैं कि दोबारा फिर वो सरकार में आ नहीं पाता है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार और खासकर मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में और जहां के ऊपर हम जीत के, वो नहीं अभूतपूर्व जीत के आए, तो ये क्या है, ये नरेंद्र मोदी के प्रति एक विश्वास है। तो क्या है कि आज मोदी गरीब शोषित वंचित के परिवार का हिस्सा है, अब वो उसका कारण भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं 2014 का जब चुनाव लड़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तो उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित नहीं हुए थे, मैं एक गांव में गया, उस गांव का बहुत गरीब आदमी, शायद मेरे ख्याल से दलित परिवार का था, वो धोती पहने हुआ था, आज भी उसका चेहरा मुझको याद है। और उसके बाद में उसने हमसे रोका, देखो मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ तो ही वोट दिए, तो यही हमारे तिर। तो कुल मिलाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उसके बाद में जब मोदी जी ने उसका चिंता भी किया, आज जिस गरीब का पक्का मकान बन गया, जिसके यहाँ शौचालय बन गया, तो ये एक अपने आप में बड़ा परिवर्तन आया है। 19 का ही आपको बता रहा हूँ, 14 में मोदी को इस नाते वोट दिया, और 19 में मैं एक मंदिर में गया, मैं फीता बांध रहा था जूता, और उसके बाद सीढ़ी के ऊपर बैठे एक महिला बगल में खड़ी होकर आई मेरे पास में, 45-50 के आसपास उम्र रही होगी, और आके उसने अपनी जाति बताई, अपने मैं बोलूंगा नहीं यहाँ सार्वजनिक, और अपने नेता के नाम पर बोले कि फलाना नेता चोर है, हमारे घर में 24 वोट है, हम 2400 वोट मोदी को दिए, और मोदी ने हमें लैटरीन दी। तो ये एक जो विश्वास जो उसका जो पैदा हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और मुझे लगता है इसीलिए आज मोदी का हर घर का हिस्सा है। आज बुजुर्गों को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है, महिलाओं को लगता है मोदी कारण मेरी सुरक्षा है, आज जिस प्रकार से बेचारे अल्पसंख्यक हैं जैसे कश्मीर में बेचारे हिंदू, आज उनको लगता है मोदी के कारण हमारी सुरक्षा है, तो कुल मिलाकर इस देश के सनातनियों को लगता है मोदी कारण हमारा धर्म सुरक्षित है। तो ये सारे बहुत सारे विषय हैं, तो मोदी एक परिवार का हिस्सा बन गए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा मोदी को मोदी बोलो।